फार्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है ऐसे लोगों का विवाह इनकी पसंद से होता है, शादी इनकी मर्जी से होती है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ये लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। सफलता इन्हें कम मेहनत में ज़्यादा मिलती है, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है, सोच इनकी पॉजिटिव होती है। प्रॉब्लम क्या है कि माइंड लाइन आपकी भले जुपिटर से इनिशिएट हुई है, लेकिन एक सर्टेन एज तक माइंड लाइन पर दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की स्थिति माइंड लाइन पर तभी बनती है जब अपने काम को लेकर के आप खुद संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि आपने अपने आप से जो भी उम्मीदें रखी हैं आप खुद को उन उम्मीदों पे खड़ा होता हुआ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो एक सर्टेन एज तक आपके जीवन में आपको उस तरह की सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है जैसे कि उम्मीदें आपने अपने आप से लगाई होंगी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क करते हुए दिख रही है, और ये उम्र होगी तकरीबन 35 के आसपास से, तो 35 के बाद से ही आपका भाग्य उदय होगा। और इतनी छोटी सी माइंड लाइन जिनकी भी होती है ऐसे लोगों को एक तो गुस्सा आता नहीं है और आ जाए तो शांत होता नहीं है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से लाइफ लाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, ये लोग या तो बिजनेस के माध्यम से सफलता पाते हैं या फिर फॉरेन सेटलमेंट होता है, किसी को दो किसी को एक परिणाम हासिल होता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से, माफ कीजिएगा वीनस माउंट से, शादी के बाद भाग्योदय होता है। और दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। एक समस्या क्या है कि हार्ट लाइन आपकी ऊपर की तरफ मूव हो गई है, तो इसने पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर दी है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ गई है, और इसके कारण स्टार्टिंग की जो लाइफ है आपकी 35 से पहले की लाइफ है वो संघर्ष में बीतेगी, सफलता आपको देरी से मिलती है। और ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी जुपिटर के माउंट के तरफ शिफ्ट हो गई है, अत्यधिक शिफ्ट हो गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कमी आ गई है। अब जुपिटर के माउंट के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है आपके पारिवारिक जीवन को, और यही अच्छे से यदि फंक्शन नहीं करेगा तो फिर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी कैसे रहेगी। तो जुपिटर का माउंट जब भी डिस्टर्ब होता है ये आपकी फैमिली लाइफ को कमज़ोर करता है, ऐसे लोगों का अपने माता पिता के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, थोड़ी बहुत समस्याएं खटपट लगी रहती हैं। सटन के माउंट को स्पेस कम मिला है, तो सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिख रही है, और कठिनाई अधिक है, यानी दूसरों की तुलना में आपको संघर्ष अधिक लगेगा किसी भी फील्ड में सफल होने में। और इस तरह से यदि टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी सनलाइन बट जाती है, ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फील्ड चेंज करते हैं, यानी आज किसी फील्ड में है तो कल को किसी फील्ड में चले जाते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए आज प्राइवेट जॉब में है, कल को गवर्नमेंट जॉब में चले गए, वहाँ भी मन नहीं लगा तो बिजनेस अपना लिया, यानी इनके जो फील्ड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, आप यदि एक फील्ड के तरफ अपना पूरा ध्यान नहीं लगाते हैं तो वो भी आपकी असफलताओं का कारण बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह यदि इनको असफलताएँ मिल गई, एक बार मिल गई, दो बार मिल गई, उसके बाद उस फील्ड का ही ये त्याग कर देते हैं, उस फील्ड को ये टाटा बाबा बोल देते हैं। सफलता पहले ही अटेम्प्ट में सफल हो जाना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। मैक्सिमम जितने भी आप सफलता प्राप्त लोगों को देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा सफल सक्सेसफुल इंसान को आप देख रहे हैं जिस भी फील्ड में वो हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि उनके दो तीन अटेम्प्ट अच्छे नहीं गए जाते हैं।
लेकिन उसके बाद ही वो सफल होते हैं। और जो लोग गिर के संभलना जानते हैं वही लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा या कुछ अलग कर पाते हैं। यदि गिर के आप हार के बैठ जाएंगे या जहाँ पे आप गिरे वहाँ से आगे ना बढ़ के किसी और रास्ते को अपना लेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गिर गिर के संभलने वाले लोग कमाल करते हैं। लेकिन आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि यदि आप किसी फील्ड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कठिनाई आई, तो आप सोचते हैं कि इस काम करते हैं उस फील्ड को आप छोड़ देते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, और ये नया ट्राई करने के चक्कर में सफलता में देरी होते हुए दिख रही है, आपको सफलता देरी से मिलते हुए दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत जो ये असफलताएँ हैं या कठिनाई का जो दौर है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, ये आपके माइंड लाइन की वजह से भी है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी भले जुपिटर से इनिशिएट हुई है, बट एक तो दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड लाइन पे, और ये वेव फॉर्म में होके चल रहा है। तो माइंड लाइन का वेव फॉर्म में होके चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपकी सोच में हो रहे तत्काल बदलाव को दिखाता है। आज आपको कोई फील्ड अच्छा लगेगा, कल को कोई, परसों कोई, ऐसे चेंज होते रहता है। लिटिल फिंगर जब बहुत छोटी हो जाती है, पहले पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है आपके मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी को, आपके मैनेजमेंट करने की क्षमता को, काबिलियत को। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट वीक हो जाता है, तो टाइम आप सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, वर्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से। आपने किसी को टाइम दिया मिलने का, वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, पर्सनल लाइफ की बात नहीं करते हैं, आपने टाइम दिया कि भाई मैं 6 बजे आपसे मिलूँगा, और वो इंसान 6 बजे आकर के बैठा हुआ है, आप उनसे मिलने जाते हैं 6:30 या 7 में, यानी टाइम को लेकर के आप पंक्चुअल नहीं होते हैं, पंक्चुअलिटी की कमी होती है। इसके साथ यदि पैसे की बात की जाए, तो वहाँ भी आपको खर्चे के लिए आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर मेरे पास अभी 20,000 रुपये हैं, मैंने अभी खर्च कर दिए तो कल को क्या होगा, ये नहीं सोचते हैं, अभी ज़रूरत है तो चलो अभी खर्च कर देते हैं। यानी यहाँ भी मनी मैनेजमेंट को लेकर के वीकनेस है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल के रखना, या कोई भी कागज़, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको दिया जाए रखने के लिए, आप उसको ऐसे जगह पे रख देते हैं, या बिल्कुल भी आप फाइल में डाल करके सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, जब काम उस डॉक्यूमेंट का आता है तब वो नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हर काम जो इम्पॉर्टेंट है आम रोज़मर्रा के जीवन में, उस मैनेजमेंट को आप सही से, उस काम को अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लो सेट है। शब्दों का चयन नहीं सही से नहीं करने के कारण आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं तो आप सही से नहीं कह पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ भी, तो आपके मन में चल रहा है कुछ और आप कह देते हैं कुछ और। अब जिसको होता क्या है कि जब जो आप कहेंगे सामने वाला वही समझेगा, आपके मन में क्या चल रहा है ये समझना असंभव है, कोई नहीं समझ सकता, और ना ही आप समझा सकते हैं अपने मन की बात को। तो शब्दों शब्द है ये माध्यम है आपके मन की बात को सामने वाले तक पहुंचाने का, तो यही माध्यम आपका कमज़ोर है, आप शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, तो पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ़ चला जाता है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग अंगूठा, और काफ़ी यदि फैटी हो यानी हेल्दी दिखाई दे, हैवी दिखाई दे, गुस्सा बहुत रहता है, बहुत गुस्सा रहता है, आ गया तो फिर एकदम से बवाल मचा देते हैं ये लोग। इनामास काफ़ी अच्छा है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आती हुई भविष्य में भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा, लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वेनस की तरफ, अपने द्वारा लिए गए किसी ना किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास आपका ठीक है, काफ़ी एनर्जेटिक है, आप थकते नहीं हैं, किसी भी काम को 10 घंटे 12 घंटे लगातार भी आप करते रहे, आपके अंदर थकावट आपको महसूस नहीं होती है, तो काफ़ी एक्टिव इंसान हैं आप। 16 में चेंज आया, और उसके बाद 18-19 में जाकर के आपके लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 एंड हाफ में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 29 में शादी होगी आपकी, शादी आपकी पसंद से होगी, 29 में होगी। इफ़ अगर 29 में शादी नहीं होती है तो 37 में, लेकिन मैक्सिमम चांसेस 29 में ही बन रहे हैं, और 37 में इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब आपके सवाल देख लेते हैं, शादी आपकी आपकी पसंद से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, 29 में होने के पूरे चांसेस हैं, आपकी शादी 29 के जब आप हो जाएंगे 29 साल के, तब हो जाएगी शादी आपकी पसंद से होगी।
गवर्नमेंट जॉब के साइन बहुत स्ट्रांग आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस बहुत कम है।